2017 সালে রোহিঙ্গা নিধনে যারা অংশ নিয়েছিল পালিয়ে আসাদের মধ্যে তারাও থাকতে পারে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। আশ্রিতদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর আগে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অস্থিরতা সৃষ্টি কিংবা বাংলাদেশে গুপ্তচর বৃত্তি করছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে বলছেন তারা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মে হু এহসান খান ওর আপ দেখ রহে হ্যায় হামারা ইউটিউব চ্যানেল এহসান রিঅ্যাকশন উইথ এহসান। মে উমীদ করতা হু আপ জাহাঁ ভি হোঙ্গে এনজয় করতে হোঙ্গে মজে মে হোঙ্গে और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको बताएं कि एक बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि बांग्लादेश की आर्मी ने, बांग्लादेश की बीजीबी ने, जी हाँ, म्यांमार आर्मी और फिर म्यांमार की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी सीक्रेट एजेंसी के 20 से 30 लोग भी बांग्लादेशियों ने पकड़े हैं। एक खबर हमने आपको आज से 2 दिन पहले दी थी, आपको बताया था कि लगभग 400 के करीब म्यांमार जो बॉर्डर गार्ड पुलिस है, फिर म्यांमार आर्मी, उनके लोगों को, उनके अहलकारों को बांग्लादेश बीजीबी ने पकड़ा है, उनको अरेस्ट किया है। वो कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही थी, लेकिन अब उन्हीं में से कुछ 20 से 30 ऐसे लोग हैं जो जिनका ताल्लुक बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में आने का मकसद क्या था ये मैं आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन उनका ताल्लुक बांग्ला म्यांमार की खुफिया एजेंसी से है, इंटेलिजेंस एजेंसी से है, जिस तरह पाकिस्तान की ISI है, जिस तरह से रॉ भारत की है, बांग्लादेश की DGFI है, इसी तरह जो म्यांमार की खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनसे 30 से 40 लोग बांग्लादेश में घुस आए, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। जब उनका सारा डाटा निकाला बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी से ने, तो उनका पता चला तो ये तो भाई उनकी खुफिया एजेंसी के लोग हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। अब बांग्लादेश ने जनाब फैसला कर लिया है कि इनको तो हम देंगे अच्छा खासा रगड़ा, इनको तो हम अब छोड़ने वाले नहीं हैं, ये तो अब इधर ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक तो बोला है झूठ, पहले तो ये कहते थे कि हम जान बचा कर आए हैं इधर, हम बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे, लेकिन आगे से भी तो भाई बांग्लादेश है, बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी है, और वो कौन सा किसी से कम है। उन्होंने भाई मिनटों में इनका खोज निकाल लिया और बता दिया कि भाई आप तो म्यांमार की खुफिया एजेंसी के लोग हो, आपका मकसद क्या है बांग्लादेश में आने का, क्या आप कोई यहाँ से कुछ चीज़ें देखकर वापस जाकर बताओगे म्यांमार को कि बांग्लादेश की बेसिस कहाँ पे हैं, बांग्लादेश की आर्मी कैसे काम करती है, और बीजीबी की चौकियां कहां पर हैं, बॉर्डर गार्ड फोर्स क्या कैसे एक्ट करती है, और क्या कुछ आप यहां पर हमारे जो सीक्रेट्स हैं वो जाकर शेयर करेंगे। ये सब चीज़ें वो चीज़ें हैं जो बांग्लादेश को ये कंसर्न है कि हमारी सिक्योरिटी कोलैप्स के अंदर ये अहम किरदार अदा कर सकते। अब बांग्लादेश इनको नहीं छोड़ने जा रहा, सीधी बात तो ये है, मुख्तसर तो ये है। आइए इसके ऊपर जनाब अब हम वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह मैं कहता हूं, जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। তদন্তে পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পরই পালিয়ে আসা মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষীদের ফেরত পাঠানো উচিত বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। সীমান্তে অস্থিরতা তৈরির কূটকৌশল হিসেবে মিয়ানমারের জান্তা বাহিনীর গুপ্তচর থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা তাদের। আশ্রিতদের কেউ সন্ত্রাসী দলের সদস্য হলে তা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে বলেও শঙ্কা বিশ্লেষকদের। মিয়ানমার সামরিক জান্তা নিধনযোগ্য থেকে বাঁচতে বিভিন্ন সময় পালিয়ে আসা 10 লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ। এবার আরাকান আর্মির সঙ্গে সংঘাতে নতুন করে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে মিয়ানমারের 330 সীমান্তরক্ষী। 2017 সালে রোহিঙ্গা নিধনে যারা অংশ নিয়েছিল পালিয়ে আসাদের মধ্যে তারাও থাকতে পারে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। আশ্রিতদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর আগে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অস্থিরতা সৃষ্টি কিংবা বাংলাদেশে গুপ্তচর বৃত্তি করছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে বলছেন তারা। গুপ্তচরই হোক আর পালিয়ে আসা সৈনিকই হোক, আর যুদ্ধাপরাধ করেছে এই ধরনের ক্যারেক্টার হোক অথবা কমপ্লিটলি নিরপরাধ, হয়তো এই ক্রস ফায়ারে পড়ে গেছে সেটা হোক, কিন্তু এদেরকে আপাতত আইসোলেট করে তারপরে ধীরে সুস্থে আমরা এগুলোর তদন্ত করে বের করব। তাদের ফেরত না পাঠিয়ে তাদেরকে এখানে ডিটেনশনে রাখা উচিত, কারণ এই বাহিনীটা মায়ানমারে গণহত্যার জন্য দায়ী।
রোহিঙ্গা গণহত্যা এবং জাতিগত নিধনে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিচারে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতের সহায়তাও চাইতে পারে বাংলাদেশ। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী এদেরকে যারা অস্ত্রধারী বা সৈনিক যারা এসেছে সৈন্য, তারা হচ্ছে তাদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে আইসিআরসির একটু ভূমিকা আছে। তখন আইসিআরসিকে সম্পৃক্ত করেও এটি করা যেতে পারে, তখন এটি একটি আন্তর্জাতিক রূপ পাবে। আইসিসি যদি বলে হ্যাঁ এই 330 দিনের মধ্যে আমরা নাম দিচ্ছি যারা আমাদের লিস্টেও আছে, হ্যাঁ তখন একটা বিষয় হতে পারে। তারা যদি অনুরোধ করে যে না এই দুজনকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই বা আমরা চাই, সেটা তো হতে পারে। অস্ত্রসহ পালিয়ে আসা বিজেপি সদস্যদেরকেও সন্ত্রাসী দলের সদস্য হলে তা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হতে পারে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी है, बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये खबर बहुत ही ज़्यादा इसको पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। और देखें कैसे बांग्लादेश ने ये खोज लगाया, इसके बारे में मालूमात इकट्ठी की। जो लोग ये बता रहे थे कि हम तो म्यांमार की जो बॉर्डर गार्ड पुलिस है उसके लोग हैं, उसके सिक्योरिटी अहलकार हैं, लेकिन जब जैसे ही उनकी थंब वेरिफिकेशन हुई तो फिर पता चलता है कि जनाब ये बांग्लादेश ने जैसे देखा तो फिर पता चलता है ये म्यांमार पुलिस नहीं है बल्कि ये म्यांमार की जो खुफिया एजेंसी है उनके लोग हैं। और फिर अब वो कह रहे हैं कि हमें छोड़ दें, लेकिन बांग्लादेश ने ये प्लान बनाया कि नहीं हमें इस मामले को, इस इशू को इंटरनेशनली तौर पर डील करेंगे और अब हम म्यांमार को बुलाएंगे, उनके ऑफिशल्स को बुलाएंगे। और ये फिर बताया भी जा रहे हैं इनमें कुछ ऑफिसर्स भी हैं, सिर्फ अहलकार ही नहीं है, सिपाही नहीं है, बल्कि कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी हैं, और जिनके आने का मकसद सिर्फ ये था कि बांग्लादेश में आएं और बांग्लादेश में हम देखें कि ये कैसे अपनी सिक्योरिटी कंट्रोल करते हैं, इनके एयर बेसिस कहाँ पे हैं, बांग्लादेश आर्मी के अड्डे कहाँ कहाँ पे हैं, ये सब जासूसी करना था। असल में उनका मकसद ये था जासूसी करके हम वापस जाकर जब हमें छोड़ा जाए यहाँ से बांग्लादेश से, जब हम वापस म्यांमार में जाएँ तो फिर हम उनको बताएँ कि ये सीन है भाई और आप अब इसके ऊपर इस तरह से हमला करें। लेकिन वो सारे का सारा जो प्लान था वो नाकाम कर दिया है बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी ने, बांग्लादेश की बीजीबी ने, बांग्लादेश के जितने भी सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूट हैं उन सब ने मिलकर। और ये तो इस वीडियो में असल में बताया भी यही जा रहा है कि कैसे जनाब उनको पहले अरेस्ट किया और फिर उसके बाद उनको मनवाया, ये बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश की। तो नाज़रीन आपका इसके बारे में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।